हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वैश्य कुकिंग। तो आज हम बनाएंगे केले के चिप्स, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं और बच्चों को, बड़ों को, सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। तो रेसिपी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे मेरी आने वाली वीडियोज़ की सारी नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। इसके लिए मैंने कुछ कच्चे केले लिए हैं। सबसे पहले केले का ऊपर का भाग निकाल देंगे और इसको हम छील लेंगे। इसके छिलके ऊपर के हम निकाल देंगे। इस तरीके से आपको सारे केले को छील लेना है। तो एक बार में सारे केले एक साथ नहीं छीलें, जितने केले आपको डालना है ऑयल में उतने ही केले आपको छीलने हैं, नहीं तो केले काले हो जाएंगे और उनका कलर हमारे चिप्स का अच्छा नहीं आएगा। तो जितने केले हमें बनाने हैं, जितने केले का चिप्स, तुरंत उतना ही केले को आपको छीलना है। इस तरीके से आपको केले को छील लेना है। तो एक बार में आप 3 से 4 ही केले को चिप्स बना के डालें। थोड़ा सा मैंने यहाँ पर कटोरी में पानी लिया है, इसमें हम 1/2 टीस्पून और फिर थोड़ा सा और 1/2 टीस्पून करके हमने 1 चम्मच के करीब हमने इसमें नमक डाला है और नमक को अच्छे से पानी में आपको मिक्स कर लेना है। इसको रखेंगे हम साइड में। यहाँ पे 4 केले को मैंने छील लिया है। अब इसके हम चिप्स कट करेंगे। आप चाहें तो चिप्स को डायरेक्ट ऑयल में भी चिप्स कट कर सकते हैं, या आप इसको किसी थाली या प्लेट में भी कट करके रख सकते हैं, रख के आप ऑयल में डाल सकते हैं। तो इस तरीके से हम इसके चिप्स कट लेंगे, पतले पतले चिप्स कट कर लेंगे। तो आप इसको चिप्स कटर से ही कट करें, जिससे आपका चिप्स का शेप और क्रंचीनेस सभी जो है इसी से आएगी, क्योंकि जब हम चिप्स पतले पतले काटेंगे ना तो ये काफ़ी क्रंची और कुरकुरे बनेंगे और खाने में भी बहुत ज़्यादा मज़ेदार रहेंगे। तो यहाँ देख पा रहे हैं आप, चिप्स हमारे कट चुके हैं। इसी तरीके से दूसरे केले को भी हम कट कर लेंगे। तो 4 केले थे मेरे पास, 4 के मैंने कट कर लिए हैं। अब इसको तेल हमारा जो गर्म है, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, मीडियम हॉट ऑयल होना चाहिए, इसमें आपको सारे केले के पीसेस को डाल देना है और अच्छे से घुमाते हुए इनको आपको पका लेना है। मैंने यहाँ 4 केले डाले हैं। आप चाहें तो 2-2 केले करके भी डाल सकते हैं। अच्छे से इनको घुमाएं ताकि ये चारों तरफ से अच्छे से क्रिस्पी हो सकें और अच्छे से कुक हो सकें। गैस की फ्लेम को हाई रखना है आपको, ताकि अच्छे से ये चारों तरफ से पक सकें। जब ये हल्के से पक जाएं, तब हम इसमें जो हमने नमक का पानी बना के रखा था ना, तब हम इसमें 2 चम्मच के करीब इसमें हम पानी ऐड करेंगे। नमक का पानी डालने से हमारा जो चिप्स है वो काफ़ी कुरकुरे भी होते हैं और इसमें हमें एक्स्ट्रा में नमक डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हमारे चिप्स में नमक ऑलरेडी आ जाता है, इसलिए हमें इसमें नमक का पानी हम इसमें ऐड करते हैं। तो बस ये हल्के हल्के पक चुके हैं। अब इसमें हम नमक का पानी जो हमने लिया था, चम्मच से आपको इस तरीके से घुमाते हुए ऐड कर लेना है। यहाँ मैंने 2 से 3 चम्मच के करीब मैंने यहाँ पे नमक का पानी ऐड किया है चिप्स में। अब अच्छे से सभी को आपको मिला लेना है और उलट पलट के बिल्कुल गोल्डन एंड क्रिस्प होने तक आपको इनको सेक लेना है। बीच में आप गैस को मीडियम कर दें, कंटिन्यूसली हाई ना करें। पहले स्टार्टिंग में आपको हाई रखना है, उसके बाद मीडियम कर देना है गैस को और चिप्स को उलटते पलटते हुए आराम से आपको सेक लेना है। तो बहुत ही झटपट और बहुत ही आसान तरीके से चिप्स बन के तैयार हो जाती हैं और खाने में तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती हैं। अगर आपको तीखा पसंद है तो आप इसमें कश्मीरी लाल मिर्च ऐड कर सकते हैं और आराम से आप इसको इन्जॉय कर सकते हैं। बच्चों के लिए बना रहे हो तो आप इसमें कुछ भी ऐड ना करें, क्योंकि नमक तो हमने ऑयल में ही ऐड कर दिया है, इसलिए नमक डालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी और हमारे कुरकुरे और क्रंची से चिप्स बन के बिल्कुल तैयार हैं। आप देख पा रहे हैं इनका कलर भी बढ़िया हो गया। बस इनको हम निकाल लेंगे, बहुत ज़्यादा जलाना नहीं है मैंने। तो हमारे चिप्स बिल्कुल रेडी हो गए, जैसे मार्केट में मिलते हैं ना, वैसे ही परफेक्ट से चिप्स हमारी रेडी हैं। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत टेस्टी बनती है। अब मैं डायरेक्ट ऑयल में ही इसको स्लाइस में, इसके डायरेक्ट ऑयल में ही कर रही हूँ। मशीन को डायरेक्ट आप ऑयल में भी चिप्स को कट कर सकते हैं इस तरीके से। आप थाली में भी कर सकते हैं और डायरेक्ट चाहें तो आप चिप्स मशीन से चिप्स डायरेक्ट ऑयल में भी कट कर सकते हैं। तो मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए हैं, आपको जो भी तरीका सबसे आसान लगे आप उसी तरीकों को यूज़ कर सकते हैं। सेम प्रोसेस आपको बार बार करना है। ऑयल का पानी आपको फिर से इसमें ऐड करना है, इसी तरीके से जैसे हमने पहले ऐड किया था ना, बिल्कुल इसी तरीके से हम दूसरी बार भी ऐड करेंगे।
तो जितना आपकी चिप्स हो उसी हिसाब से आप ऑयल का नमक का पानी आप ऐड करें। जैसे चिप्स कम है तो आप 1 चम्मच ऐड करें, ज़्यादा है तो 1 से 2 चम्मच ऐड करें। तो आप देख पा रहे हैं कितने क्रिस्पी हमारे ये चिप्स बन के तैयार हो गए हैं, बिल्कुल हाथ से टूट जा रहे हैं, बिल्कुल चूर चूर हो जा रहे हैं। ये देखिए कितने क्रिस्पी बने हैं। मैं आपको दूसरा पीस भी दिखाती हूँ। खाने में बहुत टेस्टी है, आराम से रख के खाइए, महीनों खाइए, बिल्कुल ख़राब नहीं होंगे। एयर टाइट कंटेन में आपको इसको बंद करके रखना है जिससे ये बिल्कुल भी सॉफ्ट ना हो। तो इन्जॉय करिए, घर में खाइए, बच्चों को खिलाइए और इस तरीके से घर में आप भी चिप्स बना सकते हैं। अगर आप इस रेसिपी को ट्राई करें, अगर रेसिपी आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और फॉलो करें हमें फेसबुक इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब पर। प्लीज़ ट्राई करिए, मुझे फीडबैक में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।